हाय गाइस, आदर्श है। बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोगों की नजदीक है। क्लास 12 की एग्जामिनेशन अब स्टार्ट होने वाली है। महज 10 दिन मान सकते हो, क्योंकि 24 से हमारी फिजिकल एजुकेशन की एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो अब यार, जिन बच्चों की सिलेबस कम कंप्लीट हुई है, 15-20% सिलेबस जिन बच्चों की कंप्लीट हुई है, उन लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खासा एक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिन बच्चों को भी फ्यूचर में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के और फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इच सब्जेक्ट, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हर सारे सब्जेक्ट्स की अगर चाहिए तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सारी चीजें आपका ये भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देगा लाके, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यार फिजिक्स के क्लास 12 के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या फिर जिनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए इस बार के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने नोट किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ये जो भी चीज मैं यहां पर बता रहा हूं इसकी मैंने पीडीएफ दे दी है। अब एक मैं आप लोगों को डेमो लेके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से मैंने बताया है। जैसे कि आप लोग जब पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, ठीक है। इसमें से आप लोगों को लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा एग्जाम्पल और एक लिखा रहेगा एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल जो सॉल्व क्वेश्चन आपके उस चैप्टर में दी गई है, बुक खोलना एनसीईआरटी की, अगर अभी तक आपने नहीं खोला है बुक खोलना, उसमें जाना। जैसे कि मैंने लिखा है 1.7, 1.9, 1.10 और 1.12, तो टोटल यार आपके पास 15-16 क्वेश्चन वहां पे दिए रहेंगे। तो उन 15 क्वेश्चन में ये चार क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे टिक आउट किया है, ये चार क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन पे आप लोगों को खासा ध्यान देना है और ऐसा कर लो कि ये सारे क्वेश्चन याद हो जाए, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने पहला चैप्टर में आप लोगों को ये चार क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के ये चार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मिला के सपोज आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चंस है, सपोज उस चैप्टर में 30 क्वेश्चंस है, तो उन 30 क्वेश्चंस में से ये 8 क्वेश्चंस है, इन 8 क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चों को थोड़ी हियरिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी। एक्चुअली क्या है कि माइक की जो इनपुट होती है ना मेरे फोन की, वो थोड़ी सी खराब हो गई, तो मैंने दूसरा वाला एक माइक ऑर्डर किया है, तो 2-3 दिन में आ जाएगी, तो वो इनपुट ठीक, मतलब जो साउंड क्वालिटी है वो ठीक हो जाएगी, तो थोड़ा सा बियर अप कर लेना। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 1, फिर एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, सारी की मैंने पीडीएफ बना दी है, वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, अब भैया आप लोगों के दिमाग में ये भी चीज आ जाएगी, भैया आपने बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी आप बनाओगे जिसकी पीडीएफ आप हम लोगों को देने वाले हो। तो यार ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 200 या 250 क्वेश्चन हो सकती है, अभी एग्जैक्ट तय नहीं हुआ है। कुछ चैप्टर्स की बन चुकी है, 5-6 चैप्टर्स की बन चुकी है, लास्ट के 3-4 चैप्टर्स की बाकी है, वो मैं संडे को आप लोगों को दे दूंगा। तो थोड़ा सा मेहनत करो और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगी। तो जैसे मैंने फिजिक्स के एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, वैसे ही मैं फिर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सबके भी दूंगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक और डाउट होता है कि भैया मैं अगर कुछ पढ़ रहा हूं अभी, तो एग्जामिनेशन के वक्त मेरे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, टीचर के पास मैं जा नहीं पा रहा, क्योंकि टीचर की तो जनवरी में ही सेशन खत्म हो जाती है ना, तो मैं वहां पे जा नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं। तो आप लोग यार प्ले स्टोर से जाके ये इंस्टा सॉल्व नाम की एक ऐप है, मैंने देखा, वो आप लोग डाउनलोड कर लो और वहां पे जाके आप लोग फ्री प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। सपोज आप एनसीईआरटी की कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको डाउट आ गए, सपोज मैं कह रहा हूं आपको एक डाउट आ गए, मोबाइल लो, मोबाइल से उस ऐप को खोलो, एक फोटो खींचो, फोटो खींचने के बाद अपलोड करो, 2 या 3 सेकंड में आपके पास सोल्यूशन आ जाएगी, सॉल्व करो, खुश रहो। मजेदार बात क्या है कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और एनसीईआरटी में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को टिक कर लेना है। दूसरा काम आप लोगों को यह करना है कि इंस्टा सॉल्व नाम की जो ये ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। एक और बात दिमाग में आ रही है, भैया मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके क्या मेरे लिए सफिशियंट होगा? देखो, ये सारे जो भी क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों की सिलेबस कम हो रखी है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चंस कर ले आखिरी बचे 20 से 25 दिन में, ठीक है। देखो, सफिशिएंट कुछ भी नहीं होता, आप 5 बुक भी कर लो तो वो भी सफिशिएंट नहीं होती है। तो हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है कि कितने कम करके हम लोग कितना ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये वही चीज है, हम लोग कम मेहनत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। मैं पिछले बार की बात बता रहा हूं, मैंने पिछले बार की बायोलॉजी की क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी थी और उससे हमारा 53 नंबर मैच किया था आउट ऑफ 70, ठीक है। केमिस्ट्री की मैंने दी थी, उसमें हमारा 52 नंबर मैच किया था आउट ऑफ 70। मैंने मैथमेटिक्स का दिया था, उसमें 47 नंबर, नहीं सॉरी, मैथमेटिक्स में बोल रहा हूँ, फिजिक्स का मैंने दिया था, तो फिजिक्स में 4 सेट होता है, तो एक सेट में तो बस यार 33 नंबर मैच की थी, एक सेट में हमारा 46 नंबर मैच किया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की रेशियो है जो क्वेश्चंस मैच कर जाती है, तो वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग जाके ये 2 काम कर लें और मैं फिर संडे को आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है।
और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहते हैं कि 1.5 लाख की फैमिली हम लोगों की बच जाए। अभी 1,10,000 है। अब हम लोग इसी तरीके से अगर आप लोग का प्यार अगर मिलता रहा तो हम लोग की ये फैमिली 1,50,000 की हो जाएगी। और जोरों शोरों से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा ताकि आपकी एग्जामिनेशन अच्छी हो जाए। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।